हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू फास्ट एंड टैग रिव्यू। गाइज, ये है पोर्शे की कायन 2023 वेरिएंट और आज हम करेंगे इसकी फास्ट एंड टैग रिव्यू। इसे पहली बार 2002 में लॉन्च किया गया था और फ्रेम में इसके 2023 की थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट है। जैसे पेट्रोल इंजन और सिंगल मॉडल के साथ आती है। इसके एक्स शोरूम प्राइस 1,35,00,000 रुपीज यानी 1,35,00,000 रुपए रखी गई है। ये कूपे बॉडी डिजाइन के साथ भी आती है। इसकी असेंबली स्लोवाकिया और मलेशिया में की जाती है। आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देना है मेरा कर्म, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आपका धर्म है कि नहीं? पर एनीवे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें फ्रंट लुक की, तो नीचे पार्किंग सेंसर्स, टर्न इंडिकेटर और डिफ्यूजर के साथ सेंटर में सिग्नेचर ग्रिल, फ्रंट कैमरा और पोर्शे का लोगो प्लेस किया गया है। यह फुली एचडी मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट विद डायनेमिक ऑटो लेवलिंग, इसके ऊपर रेन सेंसिंग ऑटो वाइपर और पैनारोमा सनरूफ प्लेस किया गया है। वही बात करें साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, हीटेड ओआरवीएम विद टर्न इंडिकेटर, कैमरा एंड एम्बिएंट लाइटिंग के साथ साइड स्कर्ट्स, ब्लैक आउट बी एंड सी पिलर्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। इसके अलावा बात करें डायमेंशंस की, तो कायन के साथ 4.9 मीटर्स लेंथ, 1.7 मीटर्स हाइट, 238 mm ग्राउंड क्लियरेंस और 12.2 मीटर टर्निंग सर्कल के साथ 21 इंच डुअल स्पोक अलॉय व्हील्स विद ऑल टायर डिस्क ब्रेक्स ऑफर किया गया है। ये इसकी मोंटेगो ब्लू कलर है। इसके अलावा इसमें व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, रेड और बीच कलर ऑप्शन भी मिल जाता है। वही बात करें रियर प्रोफाइल की, तो नीचे पार्किंग सेंसर्स, एग्जॉस्ट टेल पाइप, डिफ्यूजर और रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ रियर कैमरा विद वॉशर, कैन की बैजिंग, पोर्शे की ब्रांडिंग, एलईडी लाइट स्ट्रिप और एलईडी टेल लाइट प्लेस किया गया है। इसके ऊपर रियर वाइपर, डिफॉगर, स्पॉइलर और माउंट स्टॉप लैंप विद वॉशर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 4 डिफरेंट ड्राइव मोड्स ऑफर किए गए हैं, दैट इज नॉर्मल, स्पोर्ट, ऑफ रोड एंड स्पोर्ट प्लस। बात करें सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी की, तो देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। इसमें 5-स्टार यूरो एंड कैप क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ 9 एयरबैग्स, ABS, लेन चेंज असिस्ट, TPMS, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, सेंटर लॉकिंग, कीलेस एंट्री, सराउंड व्यू कैमरा, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो अनलॉक, इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट अलार्म, ऑल टायर डिस्क ब्रेक्स और सीट बेल्ट विद रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए गए हैं। बात करें बूट की, तो इसमें 772 लीटर्स लगे स्पेस मिल जाता है, जो रियर सीट्स को फोल्ड करने पर 1700 लीटर्स लगे स्पेस बन जाएगी। इसके अलावा इसमें रियर हाइट एडजस्टमेंट बटन्स, बोथ साइड लाइट, बोथ साइड हुक्स, पॉकेट, बूट कवर, स्पीकर, स्पेयर व्हील और टूल किट मिल जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए इसमें 14 स्पीकर, 710 वाट्स बोथ सराउंड साउंड सिस्टम ऑफर किया गया है। वही बात करें रियर पैसेंजर डोर ट्रिम की, तो इसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश, डोर लॉक अनलॉक बटन, सॉफ्ट टच, पावर विंडो बटन, बोतल होल्डर, स्पीकर और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सन ब्लाइंड प्लेस किया गया है। यह ब्लैक लेदर अबॉस्टी, इसमें 40-24 स्प्लिट फोल्डिंग ऑप्शन, ट्रिपल एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आर्म रेस्ट विद डुअल कप होल्डर्स मिल जाता है। इसके अलावा कैबिन में पिलर्स माउंटेड एसी वेंट्स, डुअल यूएसबी पोर्ट्स, 12 वोल्ट पोर्ट, एसी कंट्रोल, डुअल एसी वेंट्स, हैंडल बार, हुक और रीडिंग लाइट मिल जाता है। वही बात करें ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की, तो इसमें भी नीचे स्पेस, लाइट, स्पीकर और बोतल होल्डर के साथ बूट ओपन बटन, ऑल पावर विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल, ट्रिपल मेमोरी सीट फंक्शन, सेंटर लॉकिंग, डोर अनलॉक लीवर और ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट में भी सेम सीट्स प्लेस किए गए हैं। इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, एयरबैग, सीट बेल्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद लोगो मिल जाता है। नीचे कार कंट्रोल पैडल्स और बोनेट ओपन लीवर के साथ यहाँ लाइट कंट्रोल्स, एसी वेंट और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्लेस किया गया है। वहीं सेंटर में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्पेस, डुअल ग्लास होल्डर्स, 12 वोल्ट पोर्ट, स्पेस, 4 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी विद एयर क्वालिटी सिस्टम, सीट वेंटिलेशन बटन, हैंडल बार, यूएसबी पोर्ट, वायरलेस चार्जर, डुअल एसी वेंट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन, हैजार्ड लाइट बटन और ZF का 8 HP 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया गया है। यह 12.3 इंच पोर्शे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इंफोटेनमेंट सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी, ब्लूटूथ, वॉइस कमांड, FM, रेडियो, सराउंड व्यू डिस्प्ले और 360 डिग्री 3D डिस्प्ले जैसे फीचर्स। इसके ऊपर एनालॉग एंड डिजिटल स्टॉपवॉच, शानदार डैशबोर्ड की फिनिश, सबवूफर और ट्विटर के साथ लेफ्ट साइड डैशबोर्ड में ग्लॉस ब्लैक फिनिश, एसी वेंट और डिसेंट साइज लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ऊपर पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर विद लाइट, ऑटो डिमिंग IRVM और ऑप्शनल पैनारोमा सनरूफ कंट्रोल बटन के साथ ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विद लाइट दिया गया है। यह 3 स्पॉक्स मल्टीफंक्शन पावर स्टीयरिंग भी, इसमें ड्राइव मोड सेलेक्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल, लोगो और फोन वॉल्यूम एंड वॉइस कंट्रोल के साथ
पैडल शिफ्टर्स, हेडलैम्प कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाता है। यह 13.6 इंच कर्व डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें स्पीड, आरपीएम, आउटसाइड टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, ड्राइव मोड, ट्रिप टाइम, टीपीएमएस, नेविगेशन, ओडोमीटर, फ्यूल लेवल, बैटरी लेवल, जी फोर्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट इंडिकेटर और सीट बेल्ट इंडिकेटर जैसे सभी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट रीडिंग्स क्लियरली शो हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें काइन 2023 के इंजन डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें 3000cc V6 CWGD पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो 348 HP पावर और 500 Nm टॉर्क के साथ 248 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड और 10 किलोमीटर पर लीटर एवरेज प्रोड्यूस करती है। तो गाइस ये थी पोर्शे कायन 2023 की फास्ट एंड टैक रिव्यू। आपको कैसी लगी ये SUV हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी रिव्यू के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।